गाडरवारा में संयुक्त किसान मोर्चे की होने वाली किसान महापंचायत पर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि किसान पंचायत की राजनीति हो या कांग्रेस की राजनीति हो, ना के बराबर है। यह सब प्रदेश की जनता समझती है जो मगरमच्छ की आंसू बहा रहे हैं, काला कानून बता रहे हैं। आज तक यह नहीं बता पाए कि इस कानून में काला क्या है। आंदोलन चलते हुए 8-10 महीने हो गए, लेकिन किसान को कोई नुकसान नहीं हुआ। कश्मीर में जो घटना सामने आई वह पीड़ादायक है। कश्मीर में हिंदुओं को चयनित कर आईडी देखकर मारा जा रहा है, उस पर कोई विपक्ष की कोई टिप्पणी नहीं आई है। गांधी परिवार सिर्फ राजनीति के लिए राजनीति कर रहा है, इसका जीता जागता उदाहरण कश्मीर में देखने को मिल रहा है। देखिए, लोकायुक्त जी ने एक रिपोर्ट जो है राज्यपाल जी को दी है वार्षिक विवरण की, और उस वार्षिक विवरण में इनकी सरकार के खिलाफ जो टिप्पणियां हैं आप उसे देख लें। मेरी दतिया विधानसभा में भी 4-4, 5-5 कलेक्टर बदल दिए थे साल भर में, ये सब जांच के विषय हैं उसमें, और उस विवरण वार्षिक विवरण को आप पढ़ लोगे तो समझ में आ जाएगा कि लोकायुक्त पर टिप्पणी क्यों की इनने। एक दूसरा, संवैधानिक संस्थाओं पर उंगली उठाना ये कांग्रेस का आदत है, शगल है। चुनाव हार जाएं तो चुनाव आयोग पे, केस हार जाएं तो न्यायपालिका पे, लोकायुक्त खिलाफ रिपोर्ट दे दे तो लोकायुक्त पे, सेना अगर घुस के मारे तो सेना पे सवाल। ये सिर्फ टुकड़े टुकड़े गैंग का समर्थन करते हैं, या जो चीज देश को तोड़ने में सहायक होती है, महान भारत को बदनाम भारत कहने में कमलनाथ को मजा आता है। कांग्रेस के जो प्रत्याशी हर चुनाव में वो ऐसे ही करते हैं, 15 महीने वो रहे थे ना, तब उनने कितना बनवाया उस रामगम प्रतिशत को, नहीं बनवाया। ये अब प्रदेश की जनता जानती है कि ये सारे के सारे काल्पनिक बयान ये देते हैं जो दिख रहे हैं सामने। निश्चित रूप से कठोर कार्रवाई की जाएगी, यहाँ कानून का राज है, शिवराज सिंह जी की सरकार है, कोई नहीं बख्शा जाएगा। टाइम 8 मध्य प्रदेश के लिए भोपाल से प्रणय शर्मा की रिपोर्ट।